तृणमूल कांग्रेस की रैली है यहाँ पे, नोटबंदी और जिस तरह से उनके सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में। और ये जो रैली है ये यहाँ पे आरबीआई जो कोलकाता में है, डलहौजी का इलाका है, उसके ठीक नीचे में आयोजित किया गया है। और आरबीआई के नीचे ये दूसरा दिन है। इसके अलावा पार्टी का ये कहना है कि लगातार ये रैली जो है वो जारी रहेगी। और दूसरी ओर ये सकते हैं, ये राइटर्स बिल्डिंग है जो कि पहले सचिवालय था राज्य सरकार का, और दोनों के बीच में यहाँ पे ये रैली चल रही है। सीधे तौर पे निशाना केंद्र सरकार पे साधा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो नोटबंदी किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य, जैसा यहाँ मंच से बताया जा रहा है, कि पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखकर बीजेपी अपने हित को साधने को लेकर की है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी टीएमसी की विरोध में रैली जो है वो चल रही है और टीएमसी इस रैली को कंटिन्यू रखेगी, विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी, ऐसा इनका कहना है। और जो मंच पे यहाँ पे लिखा है उस पे साफ तौर पे बांग्ला में लिखा है कि माँ माटी मानुष के साथ थे, हैं और रहेंगे, यानी जनता को साथ में लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर पूरे देश भर में घूमी है और उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई में जो गिरफ्तारी हुई है उनके सांसद की, इसको लेकर टीएमसी मुखर है, केंद्र को निशाने पे ले रही है और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रही है। और इसको लेकर तमाम सारे पार्टी के नेता जो है वो जगह जगह पे सड़कों पे हैं और यहाँ पे रैली करके अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरामैन आलोक घोष के साथ इस समय कोलकाता से रजनीश।